पिछले कुछ समय से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी से कई कद्दावर नेता किनारा कर चुके हैं और कई नेताओं के असंतुष्ट होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की है। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसे लेकर आज राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कभी पूरे देश में हुकूमत करने वाली कांग्रेस के पास इस समय राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ को छोड़कर कोई भी बड़ा राज्य नहीं है जहां उसका सीएम हो। इसमें से भी पंजाब में तो 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है और आज जब राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तो उनके निशाने पर सिंधिया आ गए। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिंधिया को अवसरवादी बताते हुए कहा कि सिंधिया डर कर आरएसएस के हो गए। उन्हें डर था कि कहीं बीजेपी मेरा महल मुझसे न छीन ले। बीजेपी डर दिखाकर लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाती है, इसलिए डरने वाले ही बीजेपी में जाएंगे और जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। राहुल ने साफ कर दिया कि जिन लोगों को बीजेपी में जाना हो वो जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी नीति से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस में सिर्फ उसी को जगह मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो कांग्रेस की नीति को स्वीकार करेगा और पूरी निष्ठा से काम करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।